आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे कैनन G2010 की। पहले भी हमने ये प्रिंटर यूज़ किया हुआ है। ये एक बजट प्रिंटर है, जो भी अपना PSC सेंटर चलाते हैं सभी भाई उनके लिए ये सही है। इसमें PVC कार्ड भी प्रिंट हो जाता है और इसमें हमें 6000 मिलेंगे ब्लैक पेज और 7000 मिलेंगे हमें कलर पेज, जो इसकी इंक निकाल के देगी। और ये देख, मैक नहीं सपोर्ट करता, विंडो सपोर्ट करता है, मैक ये सपोर्ट नहीं करता है। ये 3-in-1 प्रिंटर है, इसमें स्कैन भी हो जाता है, फोटो कॉपी भी हो जाती है। अब देख लीजिए इसका, बीस दस इसका मॉडल का नेम है। ये अब ऐसे चलो ओपन करके देखते हैं। हमें इसमें मिल जाती है एक केबल जो कि अटैच होगी हमारे लैपटॉप कंप्यूटर के साथ। उसके बाद एक पावर केबल है, यूजर मेन्यू कार्ड वगैरह, पेपर वर्क, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। और इसमें हमें मिल जाता है ये 4 बॉटल है कलर की और ये ब्लैक, और ये 2 कार्ट्रिज है, इसको हेड भी बोल देते हैं। ये फाइनली निकला है प्रिंटर। ये प्रिंटर की लुक देख सकते हैं हम। इसको सील को ओपन कर लेना है और एक सबसे पहले इसमें डालेंगे हम कार्ट्रिज। ये कलर कार्ट्रिज है, ये ब्लैक एंड व्हाइट कार्ट्रिज है। इसको ऐसे प्रेस करके इसको ओपन कर लेना है और फिर इसकी सील निकाल के हमें इसे यहाँ पे सही से बिठा देना है। कलर ये ब्लैक एंड वाइट है, इसको यहाँ ब्लैक एंड वाइट को यहाँ पे बिठाना है और कलर को कलर में बिठाना है। ध्यान रखे आपने यहाँ पे हाथ टच वगैरह नहीं करना है और इसको सही से प्रेस करके लॉक कर देना है। उसके बाद हमें डालनी है इंक। ये इसके बॉटल के ढक्कन को ओपन कर लेना है सही से। और इधर ब्लैक है, इसको ब्लैक वाले सबसे पहले हम डालेंगे इसमें से ब्लैक कलर। ध्यान रखना है, ध्यान रखना है जो जो कलर है वही डालना है, मिक्स नहीं करना है।
वैसे तो आजकल प्रिंटर आते हैं जिसमें दूसरी बॉटल जाती नहीं, लेकिन ये 2010 मॉडल है, ये थोड़ा पुराना मॉडल है, इसमें कोई भी बॉटल कहीं भी डाल सकते हैं, ये बात का आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम डालेंगे मैजेंटा, उसके बाद डालेंगे हम येलो। बस कलर का हमने ध्यान रखना है, इसमें कोई भी डल सकता है, लेकिन जो नए प्रिंटर होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। प्रिंटर का सेटअप करने के बाद आपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से कोई भी फोटो की कमांड दे देनी है राइट क्लिक करके प्रिंट की। यहाँ पे जो भी आपने पेज लगाया, अगर A4 लगाया है तो A4, अगर हमने जैसे C4 लगाया है C4 पे कमांड स्टैंडर्ड पे हमने प्रिंट की कमांड दे देनी है। प्रिंट की कमांड देते ही प्रिंट फोटो प्रिंट करने लगेगा। देखिए इस प्रिंट की आप क्वालिटी देख सकते हैं, एक नंबर है। आप इस इंक की साइनिंग वगैरह देख सकते हैं और पेपर।